सभी का अपने YouTube चैनल रंका इंग्लिश पे आज हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब 3 और उसके बाद जो अदर वर्ड्स आएगा या ऑब्जेक्ट जो बोलिए, ठीक है। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ठीक है। मैं खाना पे, खाना यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब, तो हमें वर्ब 3 यूज करना है। सब्जेक्ट वर्ब और इसके साथ हैव हैज का यूज करना है, तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, ये आपको पता होगा। तो आई लिखेंगे आई हैव खाना यानी ईट, तो वर्ब 3 ईटन, आई हैव ईटन यानी कि मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। नेक्स्ट राम सो चुका है, राम सब्जेक्ट है, सोना वर्ब है, ठीक है, चुका है ना, तो राम एक नाम है, तो इसके साथ हमेशा हैज का यूज होगा, किसी भी नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट जो भी हो उसके साथ हैज का यूज करेंगे। तो राम हैज सोना यानी स्लीप, तो स्लेप्ट वर्ब 3 यूज करेंगे, राम हैज स्लेप्ट यानी कि राम सो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम खेल चुके हो, तुम यानी यू, यू के साथ हैव का यूज करेंगे, यू हैव खेलना वर्ब है, तो प्ले, और प्ले के वर्ब 3 प्लेड यानी यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह पटना गया है, वह यानी सब्जेक्ट, जाना यानी वर्ब, ठीक है, पटना यानी अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स ना, अदर वर्ड्स, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लिखना है ही, ही के साथ हमेशा हैज का यूज करेंगे, ही हैज, वर्ब जाना का यानी गो का वर्ब 3 गोन, ही हैज गोन, कहाँ गया है पटना, तो टू पटना इस प्रकार से लिखेंगे, ही हैज गोन टू पटना। नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है या विद्यालय गया है, ही के साथ हैज का यूज, ही हैज गया है वर्ब है हमारा, तो ही हैज गोन टू स्कूल यानी कि वह स्कूल गया है, ही हैज गोन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग यानी कि दे, दे दे के साथ हैव का यूज करेंगे, दे हैव जाना वर्ब है हमारा, तो गो का गोन, तो दे हैव गोन यानी कि वे लोग जा चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, लड़के आ गए हैं, लड़के, लड़के यानी कि द बॉयज, प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, द बॉयज हैव आना यानी कि कम, कम का वर्ब 3 कम ही होता है, ठीक है, कम कैम कम, तो कम का वर्ब 3 कम, ठीक है, लड़के आ गए हैं यानी कि द बॉयज हैव कम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे देखा है, मैंने यानी आई हैव देखा यानी कि वर्ब, तो सी का वर्ब 3 सीन यानी आई हैव सीन, किसे देखा है उसे यानी कि हिम, आई हैव सीन हिम यानी मैंने उसे देखा है, तुमने इसे किया है, तुमने यानी यू हैव करना यानी डू, डू का वर्ब 3 डन, डू डिड डन, इसे यानी कि इट, यू हैव डन इट यानी कि तुमने इसे किया है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग यानी कि वी हैव पढ़ना यानी रीड, रीड का वर्ब 3 रीड, वी हैव रीड यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद।